चलो चलो निकलो निकलो निकलो। तो जी देखिए आ गए हम लाल किला घूमने के बाद से झूले में मेले में। तो लाल किला से जैसे निकलिएगा आप साइड में ही आपको रास्ता मिलेगा झूला पे जाने के लिए। तो हमारे दोनों चंगू मंगू चले गए झूला झूलने के लिए। तो ये उल्टा से साइड से ही जा रहे थे तो उसने मना कर दिया। फिर ये दोनों घोड़े पे बैठ गए झूला झूलने के लिए और मैं और मेरी भाभी हम दोनों आइसक्रीम खा के मस्ती कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के गले में प्रॉब्लम है तो इस वजह से वो आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगती है कुल्फ़ी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ये देखिए घोड़े की टिक 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 चल पड़ी घोड़ी। ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। और मेरे बेटे को लेकर के ना मैं सही बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा पोजेसिव रहती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ जी ये चल रहा है ना, कि इसके ऊपर से कब कूद जाएगा मुझे नहीं पता। इसका दिमाग क्या है मैं यही नहीं समझ पाती हूँ। फिर आए यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए। मैं म्यूज़िक यहाँ बंद कर दी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब पे। आप लोग फेसबुक पे जाके देखिएगा ज़रूर। आप लोगों को ना फेसबुक पे म्यूज़िक देखने को मिलेगा। मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ 3 मिनट की ये वीडियो, और आप लोग इन्जॉय ज़रूर करिएगा। म्यूज़िक के साथ बड़ा मज़ा आएगा। और इसकी शरारतें ऐसी हैं ना, आइसक्रीम खाने का तरीका नहीं मिला, पकड़ के छीनो उसे। अब वो रख दिया, उसमें कुछ नहीं मिला, वेफर से रखो और छीन के खाओ निकाल के आइसक्रीम। बच्चे ऐसे होने चाहिए ना, कुछ भोदू बच्चे होते हैं। और मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा, और कभी कभी कुछ शरारतें ऐसे कर देता है ना कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। वो खुद भी नहीं समझता है कि वो कब क्या कर देगा। इस आइसक्रीम के साथ आप देखिए कितनी मस्ती किया है। और सॉरी कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी लेट मिल रही है टाइम की वजह से। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। थोड़ा लाइक और व्यूज़ आते हैं तो पता है मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ कि चलो लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ लाइक और व्यूज़ के लिए किया जाए, कुछ यादगार लम्हे होते हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल को कोई देखना चाहता हो। और या तो आने वाले टाइम में हम खुद अपने लाइफ स्टाइल को देखेंगे कि हाँ हमने बीते वक्त में क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ छोटी गुड़िया रानी मेरी भतीजी आ गई, और ये तो उसके जैसी नहीं कर पाई क्योंकि ये थोड़ी सी सोच रही थी, समझ नहीं पा रही थी। वो तो एक्सपर्ट बंदा है, कुछ भी कर लो उसको डर है ना, शर्म है ना, थोड़ा सा मतलब बच्चे थोड़ा सा वो होते हैं ना, संकोच करते हैं, डरते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना प्यार दुलार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो आने से पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मस्ती करने के बाद से इन लोगों को दिए, फिर मेरा बेटा चला गया मिकी माउस पे और मुझे पकड़ा दिया मेरी आइसक्रीम। तो ये देखिए मैं उसकी आइसक्रीम खा रही हूँ और ये गया मिकी माउस पे झूलने के लिए, कूदने के लिए, जंपिंग करने। ये लाल किला कितना प्यारा दिख रहा है, और ये कहीं भी जाता है ना फुल मस्ती, बस इसको यही चाहिए, मस्ती करना है, कूदना है, बस यही चाहिए। पढ़ने के लिए मत कहो, कोई काम मत कहो, बस खाना और खेलना है, यही बस कहो इसे। और मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मैं सही बताऊँ अपने बेटे को लेकर के ना बहुत टेंशन में मैं रहती हूँ कि इसको मैं कैसे, कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर है ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है बिल्कुल भी। फिर हम लोग झूला झूल उल लिए, फिर निकल गए घर के लिए क्योंकि रात भी हो गई थी काफ़ी। और लाल किला का व्यू देखिए कितना प्यारा रात को है, जब लाइटिंग हो रही है ना कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा रात को। फिर हम आ गए चांदनी चौक दही भल्ले नटराज के दही भल्ले खाने के लिए। भाभी मैं और ये हम सब निकल पड़े घर। और यहाँ का ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे का व्यू रात को कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। नहीं ये सब ना हमारे दिल्ली की एक जान है, शान है, जिसके लिए ना हम बाहर निकलते हैं देखने के लिए, बहुत देख करके जी खुश हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। तो
सब बच्चे जिद कर रहे थे खिलौने के लिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं अपने बेटे को एक घड़ी दिला दी नकली सी। फिर हम आ गए नटराज में दही भल्ले खाने के लिए, तो हम सब दही भल्ले खाए के लिए और ये चंगू मंगू फ्रेंच फ्राई खाए। और मैं अपने बेटे के लिए एक वॉच खरीद दी 100 रुपीज़ की, क्योंकि ज़्यादा महंगा महंगे लायक ये बच्चे हैं नहीं, तो चंदी चौक से ख़रीद ली और खुश हो गया, वही पहन करके आ गया और घर पर भी रखा रहता। स्कूल ले जाने के लिए ज़िद करता है बट मैं दिलाती नहीं हूँ। तो ये ओमेक्स मॉल है इधर, गेट नंबर पता नहीं 2 की 3 है मेट्रो का। फिर हम आ गए गाड़ी में, कैब कर लिए, कैब से हम घर को निकल लिए। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।